आज मैं ऊपर आसमानी से क्या सर ड्राइव कर रहे हो सर? लाइसेंस है? बिल्कुल है सर, दिखाओ सर। वो तो सारा सब कुछ लेके चलते हैं जयपुर से सर। जयपुर जा कहाँ रहे हो? मैं सर जिसपा तक। इस तरह से मत ड्राइव वो एक पर्टिकुलर है। हेलो हाँ, लेकिन ये पहाड़ी रोड है। आई एम सॉरी सर, सामने वाला आपको टक्कर मार देगा, क्या फायदा? और टू व्हीलर आपको पता है कितना डेंजर। सॉरी सॉरी सर, आगे ध्यान रखो। देखिए जरा यार ब्यूटी, ये है ब्यूटी। और इसी के लिए ना टूरिस्ट आते हैं, बाइकर्स आते हैं, राइडर्स आते हैं। हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो इट्स डे सेकंड इन मनाली और अभी हम लोग जा रहे हैं जिसपा, और ये हमारा होटल आज का हमारा स्टे। और जैसा मैंने सुबह मॉर्निंग में आपको दिखाया था व्यू, अभी धूप है बट जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ स्नोफॉल हुआ है, फ्रेश स्नोफॉल। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं जिसपा, और रास्ते में आएगा अटल टनल, सोलांग वैली, शिशु इन मैनी मोर। तो अभी यहाँ से लेते हैं विदा और चलते हैं जिसपा की ओर। अभी रशपाल भाई आ रहे हैं गाड़ी लेके, तो फैमिली जाएगी इनोवा क्रिस्टा में और अपन चलेंगे आरी हिमालयन पे। सो हियर वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी ऑफ डे टू एंड आई एम ऑल सेट टू गो फॉर एक्सट्रीम विंटर राइड 3.0। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने हार्ली डेविडसन से राइड करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार हम हार्ली डेविडसन नहीं है, इस बार हम रॉयल इनफील्ड से राइड कर रहे हैं। तो ये था होटल रुद्रा पैलेस जहाँ हम लोग रुके थे। आप सभी को रिकमेंडेड है नेक्स्ट टाइम आए और यहीं रुके। थैंक यू भाई लोग। जय भोले बाबा। सो अनदर एडवेंचर बिगिंस ऑफ डे टू। भैया कुछ भी गाओ, बाइक पे राइड करने का जो मजा है ना वो किसी भी चीज में नहीं है। आप कितनी ही महंगी फोर व्हीलर चला दो बट जो मजा राइड पे आता है वो किसी भी चीज़ में नहीं आता। पहले आप मेहनत करो गियर्स पहनने की, सब कुछ पहनने की, और उसके बाद आप निकलो राइड पे। वाह वाह वाह, मौसम अभी खुला हुआ है बट आई विल शो यू देयर स्नोफॉल हुआ है ऊपर। बहुत अच्छी कंपनी मिल गई रशपाल भाई की, जो मेरी फैमिली को लेकर जा रहे हैं अभी HP01K8789 में। और आप देखें आगे का रास्ता क्या रहता है, मजा और एडवेंचर फुल ऑन जा रही है भाई लोग। तो हमने अभी ओल्ड मनाली छोड़ दिया है और हम लोग सोलांग वैली की तरफ जा रहे हैं। तो भैया देख लो, जिन जिन को भी बर्फ के पहाड़ देखने हैं देख लो, हमारी नज़रों से वो रहे सामने। और ये पूरा मार्केट है जहाँ पे आपको घूमने के लिए बाइक्स मिल जाएंगी रेंट पे, और जौन सी बाइक आप चाहें, ज़्यादातर हिमालयन और रॉयल इनफील्ड का क्रेज़ ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा रेंटल बाइक का जो बिज़नेस है वो मनाली में सबसे बड़ा है, क्योंकि लोग आते हैं और वो ये सोचते हैं यार एडवेंचर करना है तो मनाली से ही करना है, मनाली से ही आप जाएंगे लेह लद्दाख के लिए और भी बहुत सारी जगह। बट हाल फिलहाल अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो जर्नी है सोलांग वैली की। तो सोलांग वैली चलते हैं और मज़े करेंगे मज़े। ये खूबसूरती जो है ना ये बार बार खींच के लाती है मनाली। ये ब्यास नदी बहती हुई
यहाँ बगल में लोग आते हैं और ऐसे ऐसे फोटोज खिंचवा देंगे भैया। मन करता है जो इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं हम लोग कि भैया जाना ही है। तो हलो जी, हम आ गए यहाँ पे और सामने दिख रहे हैं हमारे बर्फ के पहाड़। तो देखते हैं क्या स्नोफॉल हुआ है और क्या है आगे, वो तो जाने के बाद पता चलेगा जी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो BRF का जो काम है वो रोड्स की केयर करने का है और हिमाचल में, स्पेशली हिमाचल में BRF है, बहुत बढ़िया काम किया है। इतने बढ़िया रोड्स बनाए हैं कि कोई भी कहीं से भी आ जाए उसको इतना मज़ा आता है यहाँ की रोड्स पे चलने में कि भाई पूछो मत। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की रोड ख़राब है। यहाँ चल रही है चेकिंग, देखिए क्या चल रहा है। मुझे वो गाना याद आ रहा है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक चार दुख की एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। तो मैं मेरी आवाज़ के लिए अभी आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी मैं मूड में तो हूँ बट मैं मेरी आवाज़ में नहीं हूँ। बट यकीन मानिए कि जब आप यहाँ आते हैं ना तो आपका मन करता है कि भैया यही बस जाओ। तो यहाँ देख सकते हैं आप सोलांग वैली है, अभी 7 किलोमीटर अटल टनल है 19 और ले है 423 किलोमीटर्स। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सोलांग वैली घूमने के लिए। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, उड़ता मैं। हाँ सर जी, क्या सर? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। वैसे पहाड़ी रोड में ठीक है सर, लाइसेंस है? बिल्कुल है सर, दिखाऊं? सर वो तो सारा सब कुछ लेके चलते हैं, ये चीज अच्छा। आई एम सो सॉरी सर, मैं अपोलोजाइज हूं उसके लिए। अच्छी है वो, एक पर्टिकुलर हां, लेकिन ये पहाड़ी रोड है। आई एम सॉरी सर, सामने वाला आपको टक्कर मार देगा, क्या फायदा? और टू व्हीलर आपको पता है कितना डेंजर। सॉरी सॉरी सर, आगे ध्यान रखो। बिल्कुल जयपुर से सर, जयपुर जा कहां रहे हो? मैं सर जिसपा तक। इस तरह से मत ड्राइव। मैंने सोचा सर एक व्यू ले लूँ यहाँ से, इसलिए मैं खड़ा था बस। हाँ सर, मेरी वजह से दूसरे भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। राइट सर, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। यार मन तो ऐसा करता है ना कि मनाली आओ और यहीं रह जाओ। और प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है अभी यहाँ पर। BRO ने इतना बढ़िया काम किया है कि आप सोच नहीं सकते। और देखिए ज़रा यार ब्यूटी, ये है ब्यूटी। और इसी के लिए ना टूरिस्ट आते हैं, बाइकर्स आते हैं, राइडर्स आते हैं। तो मैं अभी फ़ोटो खींचने के लिए रुका था यहाँ से, अब चलते हैं सोलांग वैली। चलिए लो जी, हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली में और मेरे ख्याल से आगे जाने की परमिशन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलेंगे अभी आगे, एक बार उससे पहले पूछें कि ये लोग कहाँ हैं। तो गाइस, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि सोलांग वैली में अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है। सोलांग वैली में
नहीं हुआ है स्नोफॉल, इसलिए हम लोग जा रहे हैं सिसु वैली। और सिसु वैली जो है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है सोलांग वैली से, और उससे पहले हमें देखने को मिलेगी वर्ल्ड फेमस अटल टनल, बोले तो रोहतांग अटल टनल। तो हम लोग चल रहे हैं रोहतांग अटल टनल को क्रॉस करेंगे, उसके बाद सिसु वैली में घूमेंगे फिरेंगे घूमेंगे। फाइनली हमको बर्फ देखने को मिली रोड पे, और अभी तो भैया आगे तो पूरा आसमान बाकी है। अच्छा एक बात मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, हो सकता है कोई लोग ऑफेंड हो जाए कई लोग ना हो, और बट ये रियलिटी है। यू डोंट नीड एनी पावर इन हिमालय, यू नीड बॉल्स टेक्निक एंड माइंड। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हिमालय में आए हैं तो भैया ज़्यादा सीसी की बाइक सही है, बट इसका उलट है यहाँ पे। यहाँ आपको पावर की कोई नीड नहीं है, यहाँ आपको चाहिए प्योर टेक्निक, और यहाँ आपको चाहिए डेयर, और यहाँ चाहिए आपको ब्रेन। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया हमारे सीनियर राइडर्स से, जैसे कि हमारे निधेश भाई, वो पहाड़ों के राजा है, ही इज़ द किंग ऑफ हिमालय, और हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भैया ये देखो जरा लगभग हुआ पड़ा है पूरा बर्फ़ से, और हम लोग चल रहे हैं हिमालय। वैसे तो BRO ने पूरा रास्ता क्लियर कर दिया ऑलरेडी यहाँ पे, और यहाँ पे अभी कोई बर्फ नहीं है, बट अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो आपको स्नो दिख जाएगी यार। और बेसिकली चाहिए भी यही, हम आए ही इसलिए हैं यहाँ पर।